तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशी डागर ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? और हम जा रहे हैं पार्टी मनाने, बर्थडे पार्टी। तो मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? और ये हैं यादू जी, जिनका मुंह बड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो पहले इनका मुंह बनता है, फिर उसके बाद कुत्ता पाल रखा है, तो अब घर ने तो अकेला छोड़ के आएंगे ना उसको, अब साथ लेके थोड़ी आएंगे है? तो जी, जिसने भी मम्मी को प्यारी प्यारी विशेस की है, उनको ढेर सारे प्यार। बंदूक में गोली चाल से ओड़ी सोड़ी। तो गाइस, मम्मी का हम केक लेके आएंगे, अभी केक लिया नहीं है। इस कमेंट करके बताना हम कैसे लग रहे हैं। लोकेशन भेज देना। तो गाइस, अभी मुस्कान और पूनम अभी आए नहीं है, और इनको लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा लेते हैं। स्नैक्स में हमारी जान है, जान इनकी है, जान चौमिन, चौमिन। और ये क्या है? ये फ्रेंच फ्राइज आया। हमने स्टार्टर्स में कराए थे फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल जो मेरे फेवरेट, और चाउमीन भी बहुत टेस्टी है, मजा आया। तो देखते हैं अगर खाना कैसा है, पहली बार आए हैं यहाँ पे, अभी तक तो बढ़िया है। खाना बड़ा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है खाना। इतना बड़ा गिफ्ट लेके बर्थडे कर दो। हाय हाय हाय, यार उसमें थोड़ा ही अजीब लग रहा है। देखो ये मिस्टी है, तुमने इसको कर दिया। आज टिंकू पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेसिंग सेंस। तो गाइस ये देखो इसके जूते कितने अच्छे हैं। गाइस देखो इसके जूते, हमने शी इज लुकिंग टू आयरलैंड से मंगवाए हैं, अमेरिका से ना मंगवाए, झूठ मत बोलो, अमेरिका से मंगवाए हैं। आयरलैंड पागल है ये। मुस्कान पति कितने की है? चलो हां, ठीक है था विशी के पास बहुत पैसा, देख ले। तेरे लिए हमने ना फ्रांस से मॉडल मंगाई है। अच्छा, अरे बाबा, यो गड़ी सामी, हां गड़ी भेज दिया, मतलब नहीं आ ड्रेस क्यों रो रही थी? ड्रेस के ऊपर अच्छी नहीं है ये, क्या ला के दिया? मैं ये पहली थी क्यों ये छोटा बच्चा घूम गया है, ये छोटा बच्चा किसी का घूम गया है भाई, उसका है ओए मेरे पंखा नीचे का डाक लगाओ पता चला ये मुस्कान का बच्चा है। बोलो वो तो हम बाद में साउंड लगा। हेलो रुक जाऊँ तो बोल रहा हूँ, स्टार्टर्स ले आ। आवा नमस्ते, नमस्ते नानी, नमस्ते। तो गाइस ये हमारे मामा जी, जिनका बहुत मिस करते हो व्लॉग में, करे भी है वैसे। हाँ कमेंट आवे। अच्छा जी, एक आपके मामा बहुत फनी है, मम्मी तक आवे आपके भाई बहुत फनी है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
मम्मी वो रील बनानी है तो बना लो बड़े बड़े आ जाओ कम ऑन गाइस केक काट रहे थे हमी मम्मी मेरा भाई और यादू जी और मुस्कान की बेटी को देख सकते हो। सबसे मेन मुस्कान की बेटी है जो मेरा पूरा हाथ पकड़ा हुआ उसने और मैं मम्मी को केक खिलाते हुए और फिर मेरा भाई ने खिलाया मेरे को केक। थैंक यू गाइस और आपकी प्यारी प्यारी विशेस के लिए जो आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब मेरा बर्थडे मतलब आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतना मतलब अच्छा सरप्राइज़ भी दिया और मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी जो मुझे पहना रहे हैं और यहाँ मैं भी बहुत खुश हो रही थी और यादू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। देख सकते हो आप पूरा माच रहा है यादू। चॉकलेट किसने खा लिया? जो खुशी के लिए आई है। चलो पहनाओ। भाई रिंग ऑफिसिया हमने तो बोलो ऊपर चढ़ाना। ये डायमंड रिंग जो आई है आप देख सकते हो। गाइज हमने बहुत ही इन्जॉय किया और व्लॉग में बने रहना और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा व्लॉग देखने में। और यहाँ डांस करते हुए यादू पूरा आप देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो मेरा भाई पूरा फूल ही नहीं समा रहा, इतना राज्य हो रहा था दो घूट मार के हैं। और ये स्टंट देख सकते हो टिंकू के पूरा स्टंट बाज है ये मतलब पूरे शरीर को तरोड़ मरोड़ दे है, डांस एक नंबर का करता। और हमारा लग गया था खाना और सब खाने के लिए रेडी हो चुके। खाने में थी 3 सब्जियां, पनीर और छोले की सब्जी, चाप और चावल, रोटी थी मेसी रोटी और कौन सी रोटी थी सिंपल और एक तंदूरी। हाँ मतलब खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। हम पहली बार गए थे यहाँ पे मित्राऊ के मोड़ पे ही है और मतलब हमें बहुत ही पसंद आया। हम अब जब भी पार्टी करेंगे तो हम यहीं पे पार्टी करेंगे। और इतना मतलब स्पेस था कि भीड़ भाड़ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और भूख तो सबको इतनी तेज़ से लगी हुई थी कि देखो खाने पर कैसे टूट रहे थे। और बहुत ही अच्छा लगा हमें, मतलब खूब इन्जॉय किया हमने। और गाइस जो जिनका ये रेस्टोरेंट था उनके ऊपर जो घर मतलब ये जिनका रेस्टोरेंट था ऊपर ये मुझसे खास मिलने आई थी कि मैं आपके टिकटॉक से फ़ैन हूँ। और इन्होंने हमारे से मतलब हमारे साथ फ़ोटो शूट किया और बहुत ही अच्छा लगा। जब हम कोई ऐसे जानने वाले मिलते हैं, हमारे फ़ैन मिलते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और इतना खुश हो रही थी ये मुझे देख के, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। और गाइस जब भी मैं कभी मार्केट में मिलती हूँ जो मेरे फैंस हैं जो मुझे जानते हैं जो मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझसे बात किया करो, बोला करो, शर्माया मत करो। मैं बात करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं बात करूँगी ठीक है। तो फिर बाद में मुझे मैसेज आते हैं कि मैडम आपको देखा था हमने और हमने बात नहीं की। तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं बात क्यों नहीं करते हैं, बात किया करो यार, मेरे साथ फ़ोटो खींचा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। लौट क्या
थप्पड़ लगा दूँगा इस पे बैठ जा पढ़ के गई है ये तीन ही बड़ी मुश्किल पढ़ती कौन है ओ देख देख कैसे कर रहे हैं बिल्कुल रामदेव करा ठीक है कभी रात में मिले ही ना जीतू पकड़ के इसकी टांग राख बांध के उसके मुंह में ही होठ पे होठ मिला के बिल्कुल अंदर घुसा के रखा चाय पी ली मम्मी पी ली फिर ईव अब रोटी खाओगे रोटी खाओगे फिर जाने की तैयारी है अब मोनू का खावेगी फिर मोनू का खावेगी फिर वहाँ फिर अपना घर जाकर खाओगी 25-30 रोटी तो है ही एक साइड कर देगी कह के क्या भूख ना लग रही क्यों बकवास कर रहा है बकवास ना करता सही बता रहा हूँ मैं और फिर उसके बाद 3 बजे से पहले पहले ना 2 रोटी खाती है बस है ना कमी खावे ना दीदी अम्मा तुझे क्या पता 3 दिन में चून खत्म हो जाए हमारा मतलब पहले तू माँ जी के पीछे पड़े करता अरे मम्मी के पीछे पड़े तू हाथ धो के मैं तो सबके पीछे पड़ा हूँ है ना जिया कर देती है राशन खाली हमारा सारा महीने का एक बारी में अच्छा देखा सही कह रहे बिस्कुट लेगा बिस्कुट गाइस मम्मी जा रही है ओके मम्मी बाय लूंगा मैं 100 रुपए लूंगा ठीक है चलो हाँ तो साहब बाय बाय फिर मिलते हैं चलते चलते ठीक है यादों में याद रखना सुने